वाह रे इंसान, चीज तो तगड़ी बनाई है, हर किसी के हाथ में हथकड़ी पहनाई है। वाह रे इंसान, तू कितना अकेला है, आंखें नीचे रही है, जबकि चारों तरफ मेला है। वाह रे इंसान, सबका जमीर झुक गया है, इंसान कितना भी बड़ा हो उसका भी सर झुक गया। वाह रे इंसान, इज्जत करना भूल गया जो तेरे पास है, और भाव उसको देता है जो चैटिंग में उस पार बैठा है। एक समय था जब शाम हुआ करती थी, और अब दिन से सीधा रात में घुस जाते हो। एक टाइम था कि जब घर के बुजुर्ग कहानी सुनाया करते थे, अब किसी को टाइम नहीं है वो कहानी सुनने का। एक समय था कि जब फोन में लाउड स्पीकर नहीं होता था, तब भी पूरा घर एक कथा हो करके उनकी बातें सुनता था। आज हर फोन में लाउड स्पीकर है, लेकिन कोई किसी दूसरे को कुछ सुनाना नहीं चाहता। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ गए, टाइम आ गया है ब्लूटूथ का। पहले जब किसी बुजुर्ग को बुढ़ापे में सुनने में दिक्कत होती थी, तो केवल उसी के कान में एक मशीन दिखाई देती थी, वो मशीन होती थी सुनने वाली। आज किसी बुजुर्ग को यही लगता होगा कि यार आजकल जवान लोगों को भी सुनने वाली मशीन की जरूरत पड़ गई है क्या। मैं कभी कभी फ्यूचर में जाकर के ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि कैसा होगा हमारा बुढ़ापा, जब हमारी आंखें कमजोर पड़ जाएगी और हम जिंदगी भर मोबाइल के इतने बड़े गुलाम बन चुके होंगे कि ग्लूकोज की बोतल की जगह हमें हॉस्पिटल में मोबाइल चार्जर के सॉकेट की ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी। आपको टेक्नोलॉजी से दूर करना मेरा मकसद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपना मोबाइल यूज करके पास ज्यादा रहे हो और खो कम रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, क्योंकि तब आपको पता लग चुका है कि मोबाइल को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मोबाइल की वजह से अपने जिंदगी में खो ज्यादा रहा हूँ और पा कम रहा हूँ, तो ये स्पीच सिर्फ आपके लिए ही है। सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर होने पर सुकून नहीं मिलता, सुकून मिलता है उस परिवार के साथ समय बिताकर जिसमें भले ही 2-3 लोग हो, कुछ अच्छे खासे क्यूट लोगों का चेहरा इतना टेढ़ा हो गया है सेल्फी लेते लेते। पहले एक फोटो के लिए 10 मिनट शीशे में मुंह देखकर तैयार होते थे, अब सेल्फी से 1 मिनट में 10 फोटो ले लेते हैं। सेल्फी किससे बना, सेल्फिश से, और हर कोई स्वार्थी बन गया। कुछ ऐसा करो लाइफ में कि खुद आपको सेल्फी लेने की जरूरत ना पड़े, दुनिया ले आपकी फोटो। ये सुनकर लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे। सेल्फी वालों, एक दिन इस दुनिया से सबको जाना ही है, लेकिन भगवान ना करे कि जब आप इस दुनिया से चले जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद भी आपके बैठक में जो तस्वीर लगे वो कहीं आपकी सेल्फी ना हो, क्योंकि आपने कभी अपने लाइफ में ऐसा काम किया ही नहीं कि दूसरे लोग आपकी तबीयत खींचे। एक खुजली नाम की बीमारी होती है, आजकल सबके मोबाइल को खुजली नाम की बीमारी है, हर 5 मिनट में अपने मोबाइल को खुजलाना पड़ता है। ये जो आपका अंगूठा है ना, बड़ी कमल की चीज है, पहले अनपढ़ लोग अंगूठा लगाया करते थे, आजकल पढ़े लिखे लोग 100 बार फिंगरप्रिंट स्कैनर पे मोबाइल अनलॉक करने के लिए उंगली लगाना पड़ता है। सुबह भी कुछ लोगों की तभी उठेगी जब मोबाइल को थोड़ा सा खुजलाएंगे, ब्रश कर रहे हो एक हाथ मोबाइल, खाना खा रहे हो तो डर रहे हो कि बाप के सामने डालिंग का मैसेज ना आ जाए तो रिप्लाई कैसे करूंगा, वो गुस्सा कर जाए। आपको क्या लगता है, जितना फेसबुक आप यूज करते हो उतना उसको बनाने वाले यूज करते हैं? आपको क्या लगता है कि जितना आप मोबाइल यूज करते हो उतना क्या उसको बनाने वाले यूज करते हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हो या मोबाइल और सोशल मीडिया एप्स आपको यूज कर रही है? भाई, यूज आप हो रहे हो। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो आप अपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च करके देखो, आपकी हर एक एप्स में हर ब्राउजिंग सेशन में 10-20 दिन तक उसी आइटम का एडवर्टाइजमेंट आएगा जो कि आपने मोबाइल पर एक बार सर्च करके गलती कर दी। आप क्या सर्च कर रहे हो वो सब आपके मोबाइल को पता है, और मोबाइल वो जानकारी किस किस को पहुंचा रहा है आपको कुछ नहीं पता। कितना इजी हो गया है किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए किसी आइटम को सेल करना।
पहले मोहल्ले में कभी कभी कोई बेचने आया करता था, आज मोबाइल के द्वारा हर किसी का ग्राहक बन करके बैठे हो। भारत में इंसानों की जो एवरेज लाइफ है ना, वो है 70 साल। अगर आप 10 साल की उम्र में मोबाइल यूज करना शुरू करते हो और अगर 60 साल तक उसको यूज करते हो, तो आप अगर दिन में 3 घंटे भी मोबाइल यूज करोगे तो आपकी जिंदगी के लगभग 6 साल केवल मोबाइल पर ही खर्च हो जाएंगे। वही अगर आप केवल आधा घंटा मोबाइल यूज करो और नींद 1 घंटा कम कर दो, तो आपको पहली वाली कंडीशन के कंपेयर में 7 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितना आसान है ना टाइम बढ़ाना। मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बस सिंपल। अगले 10 दिन तक जितने भी फालतू के एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, उन एप्स को या तो अनइंस्टॉल करो या फिर उनके नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दो, क्योंकि ताकि सुबह वो आपके दिमाग में कोई थॉट ना डाले। जितनी भी आपके पास फालतू ईमेल्स आ रही है, उन सबका न्यूज़लेटर अनसब्सक्राइब कर दो। अगले 10 दिन में ये ऑब्जर्व करो कि दिन के शुरुआती 2 घंटे में जिस तरह मोबाइल से टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तरीका ही ब्लॉक कर दो। 10 दिन बाद आप देखना आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम निकल कर आ गया, कितनी लाइफ आपकी मैनेज हो गई है, कितनी आपकी टाइम की एफिशिएंसी को यूज करने की बढ़ गई है, कितना आपका फोकस बढ़ेगा और कितने आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। मैं कहता हूँ कि जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना, तो आप दिल खोल कर उस टाइम पूरा यूज करो। लेकिन जब आपका यूज खत्म हो जाए, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए, तब आपका जो काम है ना, उसको फिर पूरे दिल से करो। उसमें फिर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका रीजन यही है, अपने मन लगाने के और तरीके ढूंढ रखे हैं। जो लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती या सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते, आप मोबाइल से मैनेज कर लो, अगले 10 दिन तक नींद अपने आप मैनेज हो जाएगी। जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, घर में लड़ाई चल रही है, आप मोबाइल पर ज्ञान लेना बंद कर दो। अपनी खुद की जरूरतें देखो, आपके लिए क्या सही है, क्या सूटेबल है वो देखो। अगर आपकी महीने की मोबाइल से 1 लाख रुपए की कमाई हो रही है, तो मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूँ, मोबाइल यूज करो। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई करके एग्जाम में टॉप कर रहे हो, UPSC में सिलेक्शन हो रहा है, यूज करो। अगर आपको पता करना है कि फायदा कैसे लेना है, तो आप चाहे जितना यूज करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं है। कभी गेम खेल रहे हो, कभी फालतू के स्टेटस बदल रहे हो, बीपी बदल रहे हो, उनसे क्या मिलेगा यार, सोचो एक बार। आप सबसे बड़े बेवकूफ बन रहे हो। अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक आपके विचार बदल दिए हैं, तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि जिसके पास ये जाएगा, हो सकता है कि उसके आगे ना बढ़ पाने का कारण मोबाइल ही हो, और हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें खुल जाए, उसका फायदा हो जाए। एक बार सोचो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। कुछ तगड़ी क्रांति लेकर आओ, लोग देखे कि क्या बंदा है, क्या काम किया है, इसने कितनी मेहनत की है। मोबाइल को यूज करना सीखो, ना कि सिर्फ चलना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।